ये विपक्ष को जो चैचे करनी है करने दीजिए। अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे ट्रस्टेड साथी, हिंदुस्तान की राजनीति में मोदी शाह की जोड़ी सुपरहिट है। इस चुनाव के मैन ऑफ द मैच अमित भाई शाह है। मोदी और शाह की दोस्ती 40 साल से भी ज्यादा पुरानी है और दोनों ने अपने राजनीतिक जीवन में साथ कई उतार चढ़ाव देखे हैं। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मिनिस्टर भी। लेकिन कौन है अमित शाह और क्यों वो मोदी के राजनीतिक सफर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साथी हैं? आइए देखते हैं। 22 अक्टूबर 1964 को अमित शाह का जन्म मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम अनिल चंद्र शाह और माता का नाम कुसुम बेन था। अमित शाह के दादा गुजरात के मनसा में एक अमीर व्यापारी थे। शाह 16 साल की उम्र तक मनसा में ही रहे। अमित शाह की वेबसाइट के अनुसार उनका राजनीति से परिचय मात्र 13 वर्ष की आयु में ही हो गया था। दरअसल इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इमरजेंसी हटाने के बाद देश में 1977 में आम चुनाव हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मनीबेन पटेल महसाना लोकसभा सीट से जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। अमित शाह ने उस चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पोस्टर भी चिपकाया। साल 1980 में वो आरएसएस से जुड़े। उसी वक्त शाह आरएसएस की विद्यार्थी इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और दो साल बाद यानी 1982 में एबीवीपी के गुजरात इकाई के ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए गए। अमित शाह की नरेंद्र मोदी से मुलाकात 80 के दशक में ही हुई थी। मोदी को 1987 में गुजरात भाजपा इकाई का महासचिव अपॉइंट किया गया था। अहमदाबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव घोषित हुए थे। उस वक्त अमित शाह अहमदाबाद के बीजेपी यूनिट के सचिव थे। मोदी के नेतृत्व में शाह और भाजपा के बाकी कार्यकर्ताओं ने ग्राउंड पर बहुत काम किया और बीजेपी को अहमदाबाद चुनाव में जीत हासिल कराया। यह मोदी और शाह की जोड़ी की पहली परीक्षा थी जिसमें वो साल 1989 में पूरे भारत में राम जन्मभूमि मूवमेंट अपने चरम पर था। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर के लिए देशव्यापी रथ यात्रा पर निकले। अमित शाह ने संगठन के काम में कुशलता दिखाते हुए रथ यात्रा के लिए मास मोबिलाइजेशन किया। दो साल बाद यानी 1991 में लोकसभा चुनाव में आडवाणी गांधीनगर और नई दिल्ली से चुनाव लड़े। अमित शाह आडवाणी के चीफ कैंपेनर बने और अहमदाबाद में उनका पूरा इलेक्शन सफलतापूर्वक मैनेज किया। साल 1996 में शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भी गांधीनगर से चुनाव मैनेज किया। उसके अगले साल यानी 1997 में अमित शाह सरखेत से अपनी जीवन का पहला चुनाव लड़े और जीत भी गए। उसके बाद वो 1998, 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में भी वहीं से जीते। साल 2001 में नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। अगले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को गुजरात में विशाल जीत मिली। मोदी दूसरी बार सीएम बने। यह चुनाव गुजरात के दंगों के 6 महीने बाद हुए थे। मोदी के दूसरे मंत्रिमंडल में शाह सबसे कम उम्र के मंत्री बने और होम डिपार्टमेंट समेत 12 पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे। लेकिन अमित शाह का करियर विवादों से भी अलग नहीं रहा। बीइंग टेकन इनटू कस्टडी बाय द सीबीआई। साल 2010 में 25 जुलाई को शाह को सीबीआई ने सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में गिरफ्तार किया था। अक्टूबर 29 को गुजरात हाईकोर्ट ने अमित शाह को बेल दे दिया। 2010 में बेल मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शाह को 2 साल के लिए गुजरात से बाहर जाने का ऑर्डर दे दिया था। साल 2012 में गुजरात वापस आने के बाद अमित शाह नारायणपुरा से विधानसभा चुनाव लड़े और जीत भी गए। उस चुनाव में नरेंद्र मोदी एक बार फिर जीत गए थे और उनके नेशनल रोल की काफी चर्चा। 13 सितंबर 2013 भाजपा ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अमित शाह को महासचिव और उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए जी जान लगा दिया। वो कहते ना कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होते जाता है। भाजपा 1984 में मात्र 2 सीटें जीत पाई थी और 2014 में इतिहास रचते हुए 282 सीटें जीत गई। ये 30 साल में पहला मौका था जब किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल किया था। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने में अमित शाह की चाणक्य नीति का बहुत बड़ा हाथ था। शाह को भाजपा का नया अध्यक्ष बनाया गया। साल 2019 का लोकसभा चुनाव अमित शाह गांधीनगर से लड़े और जीत भी गए। ये वह सीट थी जहां एक जमाने में वो वाजपेयी और आडवाणी का चुनाव मैनेज करते थे। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की लीडरशिप ने एक बार फिर कमाल दिखाया और भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीता और नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने।
अमित शाह देश के अगले गृह मंत्री बने। उसी साल उन्होंने जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। आज नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री अपना तीसरा कार्यकाल सर्व कर रहे हैं और अमित शाह आज भी मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।